आज के रोज साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क को जमहूरियत की नेमत से महरूम करके इमरजेंसी की लानत में कैद किया था। हाँ, इसी हवाले से कुछ मजीद जानते हैं। 3 नवंबर 2007 को उस वक्त के आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आइन को मुअत्तल कर दिया और पीसीओ जारी कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने हंगामी हालत का नफाज आर्टिकल 232 के तहत किया। आइन मुअत्तल हो गया और उसे इमरजेंसी प्लस का नाम दिया गया। अबूरी आईनी हुक्म के आर्टिकल 19, 17, 16, 15, 10, 9 और 25 के तहत बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तखार मोहम्मद चौधरी को बरतरफ कर दिया गया और इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत को घेरे में ले लिया। बाद अजा इफ्तखार मोहम्मद चौधरी समेत दीगर जजों को घरों में नजरबंद कर दिया गया। इसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहम इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। निजी टीवी चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई। आर्मी चीफ की तरफ से जारी करदा अबूरी आईनी हुक्म के तहत वफाकी शरई अदालत और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी को हंगामी हालत के नफाज, जजेस के हल्फ हुक्मनामा 2007 या इस हवाले से जारी करदा किसी और हुक्म पर सवाल से रोक दिया गया।